मैथमेटिक्स प्रेजेंटिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल एट रेस्ट. अब कोई भी पार्टिकल एट रेस्ट में होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा? जीरो. तो बी इज द राइट आंसर. मेटल वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गलत, मैकेनिकल वेव गलत, साउंड वेव गलत. दे आर द प्रोबेबिलिटी वेव. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन दिस टॉपिक वेव पार्टिकल एंड ड्यूअलिटी. वेव डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन एंड ऑल. तो किससे रिफ्लेक्टेड है? डिफ्रैक्शन. सी इज द राइट आंसर. तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द डिफ्रैक्शन, नॉट इंटरफेरेंस, नॉट पोलराइजेशन. तो सी इज द राइट आंसर. डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट ईच. देखिएगा, मैं ना इससे पहले थोड़ा सा ना आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा ना आप, क्योंकि इस तरीके का कुछ भी नहीं निकल आ सकता. देखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. आप वो देखिएगा क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, उस अनुसार आप पी को चेंज करते चले जाइएगा, आप पे लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ आता चला जाएगा. मान लीजिए, पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं पी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv². और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. देखिएगा, एम की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिएगा और एम की मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम. एंड दिस इज विल बी एनर्जी. सॉरी, ये एनर्जी है, एनर्जी. दिस इज पी स्क्वायर अपॉन 2m. तो देखिए, तो ये एक फार्मूला है आपके पास, E इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पी स्क्वायर अपॉन 2m. ठीक है. अब कोई पार्टिकल है उसकी एनर्जी E है और उसका मास m है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me. ठीक है. अब देखिएगा, यहां पे वेवलेंथ कितना हो जाएगा? एच अपॉन ट्वाइस एम ई. अब देखिएगा, नेक्स्ट मैं आपको ना थोड़ा सा और इससे एक्स्ट्रा चीज बताने जा रहा हूं, वैसे इसका आंसर यहीं आ जाएगा. थोड़ा सा मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज जो है ई है और वो वी वोल्ट से एक्सीलेट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? ई इज इक्वल टू ई वी. तो यहां पर इसमें रख दीजिएगा, इसे इसमें रख दीजिएगा, तो ई वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस एम ई वी. तो यहां पे इस वाले केस में क्या हो जाएगा? एच अपॉन ट्वाइस एम ई वी. ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि जैसा भी न्यूमेरिकल आएगा आप कर लीजिएगा. मान लीजिए वो उसकी बात करता है थर्मल काइनेटिक एनर्जी की, तो E इज इक्वल टू क्या होता है? 3/2 kT. ठीक है, 3/2 kT. और ये होता है, और E किसके इक्वल होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m. 2 से 2 कट गया. P इज इक्वल टू कितना होता है? 3 mk × t. तो ये क्या आ गया? H अपॉन 3 mk × t. बस. अब आप देख लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दी, आप ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा. अगर आपको वोल्ट दिया हुआ है और चार्ज पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है, आप इसे यूज कर लीजिएगा. ठीक है, अगर प्रोटॉन दिया हुआ है तो प्रोटॉन का चार्ज यूज कीजिए, न्यूट्रॉन दिया हुआ है तो न्यूट्रॉन का चार्ज यूज कीजिए, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूज कीजिए, अल्फा पार्टिकल जो भी दिए हुए हैं आपको सबका चार्ज यहाँ पे यूज किए, वी का वैल्यू दिए थे. अगर इसमें जो है 3 mkT कॉन्स्टेंट है, के की वैल्यू आपको पता ही होगा, और टी जो है इसमें जो है ये टेम्परेचर, इसे आप यूज कर लीजिएगा. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस वाले चैप्टर में इस तरीके का ये फार्मूला आप एक बार याद रखिएगा तो न्यूमेरिकल आगे अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे. तब आपके पास ये वाले न्यूमेरिकल की बात आती है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी. तो ये क्या है? ईवी. ईवी इज इक्वल टू
पी स्क्वायर अपॉन टू एम, क्योंकि ये ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस एम, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। तो देखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्वाइस एम ई वी। लैम्डा को आप रख के सोल्व कर लीजिएगा, 6.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 34 अपॉन 2। मास कितना है, 9.1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 31। ई कितना है, 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 19 इनटू वी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर मीटर में आएगा, और मीटर को आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर ये आएगा आपका, 150 अपॉन वी। ये एंगस्ट्रॉम में मैं लिख रहा हूं आंसर, दिस इज द एंगस्ट्रॉम, ये आ गया। कभी कभी ना वहां पे क्या हो सकता है, आंसर में मैं आपको बता दे रहा हूं कि कभी कभी क्या हो सकता, कभी कभी क्या हो सकता है कि ये 150 को ना वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों ऑप्शंस दे सकता है वो, तो इसने उसने यहाँ पे ये दिया है तो इसलिए ये ए सी सही है। आपको अगर ये मिले तो आप ऐसा ना हो कि क्वेश्चन वहां पे छोड़ आए, तो 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूले आपको इसलिए बताए ताकि आप इसे याद रहिए, ताकि इस वाले एमसीक्यू में कई बार यूज होंगे वो, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी चार्ज पार्ट, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आप यहाँ पे मास ले लीजिएगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लीजिएगा। जैसे ही कोई पार्टिकल बदलेगा, मास और चार्ज आप बदल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइएगा, इलेक्ट्रॉन बीम हैज ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा ये आ जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन ट्वाइस एम इंटू ई, ठीक है। तो उसने ये सो बीम हैज ए काइनेटिक एनर्जी, उसने सो दे रखा है, ये दे रखा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, लैम्डा निकाल रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है वो। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच क्या रखेंगे आप, 6.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 34 अपॉन क्या रखेंगे आप, 2। चार्ज पार्टिकल का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास रख दीजिएगा आप यहाँ पे 9.1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 31 क्रॉस ई। ई देखे वो दे रहा है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं, 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 19 जूल। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.2 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर, और ये लैम्डा आ जाएगा आपका 1.2 एंगस्ट्रॉम, ए इज द राइट आंसर। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी ई, देखिएगा मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो है ना, ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन 2 एम, ये देखिएगा ये आ गया एच अपॉन 2 एम, ठीक है ना, ये देखिएगा ये बी इज द राइट आंसर। मैंने आपसे कहा था कि जो पहले मैंने आपको पढ़ाया वो कई बार यूज होगा। अब देखिएगा दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, ये देखिएगा, ए इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मास एम व्हेन एक्सीलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस वी हैज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा प्रोटॉन ऑफ मास एम एक्सीलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, तो देखिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन आ गया, ठीक है। अब देखिएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन ट्वाइस एम ई, ठीक है। वो कह रहा है कि द एक्सीलेटेड थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस वी हैज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन ऑफ मास एम, प्रोटॉन का मास कितना है, कैपिटल एम, और देखिए इलेक्ट्रॉन का मास है स्मॉल एम, और एक्सीलेटेड थ्रो द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी देखिएगा आप इसे भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं जब पहले लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकालता हूं आपके सामने, लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एस, तो सबका सेम रहेगा, इनटू टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं ताकि आपकी और अच्छे से समझ में आ जाए, इनटू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ई, और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी वोल्ट। लैम्डा प्रोटॉन के लिए निकाल लीजिएगा, एच अपॉन टू इंटू मास ऑफ द प्रोटोन इंटू चार्ज ऑफ द प्रोटोन पर उतना ही होता है जितना चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, लेकिन वो निगेटिव और पॉजिटिव का है वो तो आपको पता होगा, तो इसे भी आप ई लिख लीजिएगा, इसे आप ई लिख लीजिएगा। तो
लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम ई। ठीक है, अब देखेगा यहां से आप देखेगा मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ द प्रोटॉन्स कितना होता है 10^-27 के ऑर्डर होता है, मैं आपको बता भी दे रहा हूं। मास ऑफ द प्रोटॉन्स होता है 1.67 क्रॉस 10^-27 और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 9.1 क्रॉस 10^-31। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो लैम्डा पी यहां से आप निकाल लीजिएगा। वो पूछ रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन, हाँ तो वो प्रोटॉन की पूछ रहा है। लैम्डा पी ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा इधर एम ई अपॉन लैम्डा पी, नहीं सॉरी लैम्डा पी इधर चला जाएगा तो ये एम ई अपॉन एम पी इंटू लैम्डा ई। ठीक है, अब देखिएगा तो लैम्डा पी हाँ ये आ जाएगा आंसर, तो हाँ यही आंसर में पूछ रहा है। देखेगा लैम्डा पी इज इक्वल टू लैम्डा अंडर रूट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन, ये देखेगा ये आ गया। तो एम इज इक्वल टू स्मॉल एम रख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके सुविधा के लिए। ये देखेगा लैम्डा पी इज इक्वल टू कितना आएगा लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इलेक्ट्रॉन स्मॉल एम क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे आपको इसीलिए समझाया करके एम ई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और दिस इज द मास ऑफ द प्रोटॉन और दिस इज द दिस, तो दिस इज द बी इज द राइट आंसर। बी क्या है राइट आंसर, ये आपके समझ में अब आ गया होगा ना। देखिएगा मैंने बिल्कुल अलग अलग आपको समझा दिया था कि ये बिल्कुल समझ में आ जाए। इवन ई टू आर द रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखिएगा आप दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, इसे आप ऐसा करके लिख लीजिएगा इवन ई टू ई थ्री आर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये किसकी है इलेक्ट्रॉन की है, ये किसकी है अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी है और ये किसकी है ये प्रोटॉन्स की एनर्जी है। Each having the same डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इन तीनों का सेम है, लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा प्रोटोन। अब वो पूछ रहा है साहब इसमें क्या वो होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा देखिएगा लैम्डा दिस एंड दिस, अब मैं आपको बता दूं कि ये अब मास पर डिपेंड करता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन Twice एम ई। ठीक है, अब देखिएगा ई वन ई टू ई थ्री, देखिएगा जिसका लैम्डा सेम है अब वो पूछ रहा है कि ई वन ई टू ई थ्री में क्या रिलेशनशिप होगा, तो ई वन ई टू ई थ्री में वही रिले, यहां से आप ए की वैल्यू भी निकाल लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। तो ई अगर आप निकाल लेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या होगा एच का स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इन टू टू एम। ठीक है, अब देखिएगा जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब आप मास का ऑर्डर लिख लीजिएगा, तो देखिएगा एम अल्फा इज ग्रेटर देन मास ऑफ द प्रोटॉन और इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्यों ये कितना होता है 4 times मास ऑफ द प्रोटॉन, इज ग्रेटर देन मास ऑफ द प्रोटॉन और इस लिए कितना होता है 9.1 × 10^-31। ये किस ऑर्डर का होता है मैंने अभी बताया 10^-27 के ऑर्डर्स का, ये कम है ये है। तो देखिएगा मास में जब ये रिलेशनशिप है तो एनर्जी में इसके रिवर्स होगी, एनर्जी में जब इसके रिवर्स होगी तो देखिएगा ई अल्फा की एनर्जी कौन सी है ई टू, मैं अब नेक्स्ट पेज पर आपको बता रहा हूं। देखिएगा ये वाला आपका रिलेशनशिप आ गया एम अल्फा इज ग्रेटर देन मास ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है ई टू, प्रोटॉन की ई थ्री, इलेक्ट्रॉन की ई वन। अब ये जब अपोजिट है तो यहां पे निशान ये देखेगा ये आ जाएगा, तो इसमें देखेगा आप कौन सा आंसर सही है, ये देखेगा आप यहां पे देखेगा ये देखेगा ई वन इज ग्रेटर देन, ये तो गलत है, ये देखेगा सी ई वन इज ग्रेटर देन ई थ्री इज ग्रेटर देन ई टू, ये वाला आंसर सही है, तो सी इज द राइट आंसर। तो पहले आप मास को निकाल लीजिएगा और ये आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4 times ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन 9.1 × 10^-31, ये लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन है। प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलेटेड थ्रू ए सेम पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिएगा थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, देखिएगा ये आप ध्यान दीजिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो बात अलग, दो पार्टिकल्स है, एक प्रोटोन है और एक अल्फा पार्टिकल है, रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ आप उसे भी ऐसे निकाल लीजिएगा। लैम्डा मैं अब वैसे नहीं निकाल के दिखाऊंगा आपको, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, अब तो वो तो आपको सीख गए होंगे निकालना, एम अल्फा अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें ये भी हो सकता है, अच्छा ये एम अल्फा आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ई इंटू ई वी है, तो ये क्यू अल्फा इंटू वी, और ये आएगा Q प्रोटोन इंटू वी, तो देखिएगा V से V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आप लैम्डा P अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ द अल्फा टाइम्स फोर टाइम्स मास ऑफ द प्रोटोन Q अल्फा, तो देखिएगा Q अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ द प्रोटोन एंड Q प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ द प्रोटॉन ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एट, ये देखेगा इसी आंसर आ रहा है, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा पूछ रहा है वो, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ किस किस की, लैम्डा प्रोटॉन की और लैम्डा अल्फा की, तो दिस इज द सी इज द राइट आंसर। आया समझ में, क्योंकि चार क्यू अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और क्यू प्रोटोन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वही होगा मतलब कि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव का डिफरेंस आपको पता ही होगा, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन, ए प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू सेम काइनेटिक एनर्जी, हाँ वो सेम काइनेटिक एनर्जी कर रहा है, रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या दिक्कत है आपको, देखिएगा लैम्डा प्रोटोन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा ट्वाइस एम अल्फा इंटू ई अपॉन ट्वाइस मास ऑफ द प्रोटोन इंटू ई, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसका मतलब ई से ई कैंसिल हो जाएगा, अब मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल मास ऑफ द प्रोटोन ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो देखिएगा ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा अपॉन एम पी, एम अल्फा कितना बताया था मैंने आपको फोर टाइम्स मास ऑफ द प्रोटोन अपॉन मास ऑफ द प्रोटोन, ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू टू अपॉन वन, बी इज द राइट आंसर। द पार्टिकल विद रेस्ट मास एम जीरो मूविंग विद ए स्पीड ऑफ लाइट सी द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इज गिवन बाई, तो देखिएगा वो क्या कह रहा है आपसे, मैंने आपसे कहा कि ये रेस्ट मास की बात कर रहा है, देखिएगा यहाँ पे रेस्ट मास कर रहा है किस लाइट से, सी स्पीड से ऊपर रहा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट इज, तो पहले तो एम देख लीजिए कितना होगा, एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू सी है तो वी इज इक्वल टू सी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो और ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टी इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू वी, मास इनफाइनाइट लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट नीचे आएगा तो ये क्या जीरो आ जाएगा, तो दिस इज द डी इज द राइट आंसर। तो आगे समझे, तो यहां पे क्या देखेगा, दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास और दिस इज द रेस्ट मास, मैं लिख दे रहा हूं रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास ये वाला जो मास है और ये रेस्ट मास है, इन दोनों मास में आप अंतर समझ लीजिएगा, और V वो किसके, V क्या कह रहा है, V इज इक्वल टू C है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब आप रखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइएगा आप, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास M एंड चार्ज C इनिशियली एट रेस्ट गेट एक्सेलेरेटेड बाय ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम T, इग्नोरिंग रियलिस्टिक इफेक्ट को इग्नोर कर रहा है, तो डेल्टा लैम्डा अपॉन डेल्टा T कर रहा है, तो इसका आंसर A सही होगा। ए प्रोटोन ऑफ मास एम एट रेस्ट डीके इनटू टू पार्टिकल ऑफ मास एम वन एंड एम टू हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी, ठीक है,
इसमें देखिएगा वो क्या बात करना चाह रहा है आपसे, इसमें आपसे वो बात करना चाह रहा है कि लैम्डा वन और लैम्डा टू की बताइएगा। तो देखिएगा पहले तो देखिएगा ये एक एम का पार्टिकल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ, किस किस में हुआ, एम वन और एम टू। देखिए मास एम एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में, इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगाइए आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियली उसका मोमेंटम कितना होगा, जीरो। उसके बाद उसका मोमेंटम मान लीजिए इसका पी वन है और इसका पी टू है, तो पी वन इज इक्वल टू पी टू, ये मैं मोड ले ले रहा हूं ताकि, तो पी वन इज इक्वल टू पी टू आएगा। अब वो तो कह रहा है कि हैविंग ए नॉन जीरो वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, तो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, ये अपोजिट हो जाएगा पी टू अपॉन पी वन, तो पी टू इज इक्वल टू पी वन है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.0। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि पी टू इज इक्वल टू कितना है पी वन, ये यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। A moving particle associated with a wave packet or group of the waves, the group velocity is equal to the velocity of the particle. ये ध्यान रखिएगा, अगर wave packet जो होगा वो ये देखेगा, wave packet जो है या group of the waves कुछ भी कह लीजिए, wave packet velocity of the particle से move करता है, is the answer. ये this is a very important question, velocity of sound 1 upon particle velocity या velocity of light, या वो भी लिख सकता है velocity of particle, भी सब गलत है। वेव पैकेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से मूव करता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, किससे मूव करता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ, द अनसर्टेन इट्स वेलोसिटी विल इक्वल टू, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ, अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इसका मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की बात कर रहे हो, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी पूछ रहा है वो, तो क्या रखेंगे आप, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा डेल्टा पी इक्वल टू एच, तो डेल्टा एक्स क्या दिया हुआ, लैम्डा इंटू डेल्टा पी एच, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन पी, पी को मैं लिख सकता, मैं यहां लिख दे रहा हूं एम वी इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा वी इक्वल टू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी डेल्टा वी इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी, इज द राइट आंसर। यहां पे क्या करना है आपको, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी रखना है, देख मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे आपको क्या रखना है एच अपॉन पी, और ये हो जाएगा एच अपॉन एम इन टू वी, और डेल्टा पी क्या हो जाएगा एम इंटू डेल्टा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, देख लीजिएगा आप। तो दिस द क्वेश्चन नंबर 15, ए इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड एक्यूरेसी ऑफ इतने, द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन विल बी, तो देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिएगा स्पीड कितनी दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेसी कितनी है 0.015%, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू बाई 100, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन पूछ रहा है आपसे वो, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच ले लीजिए, तो डेल्टा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसका मतलब डेल्टा एक्स पूछ रहा है आपसे, पार्टिकल कौन सा है इलेक्ट्रॉन्स है, तो डेल्टा एक्स निकाल लीजिए इनटू एम इनटू डेल्टा वी नियर अबाउट इक्वल टू एच, तो डेल्टा एक्स निकाल लीजिए, ये एक्स है मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है इनटू डेल्टा वी आपके पास कितना आ गया है, ये यहां से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.005 इक्वल टू 6.6 क्रॉस 10^-34, तो यहां से डेल्टा एक्स निकाल लीजिएगा, तो डेल्टा एक्स जो आएगा यहां से 0.145 आएगा आसपास आएगा, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
ड्यूरेशन ऑफ द लेजर पल्स ऑफ 10 की पावर माइनस 8 सेकंड, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी नियर और इक्वल टू एच। तो ये अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल्स है। तो लेजर पल्स का टाइम कितना है, 10 की पावर माइनस 8, डेल्टा ई इंटू 10 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 6.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 34। तो डेल्टा ई कितना आएगा, 6.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 26 जूल। इसे आप उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, डी इज द राइट आंसर। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज, देखिएगा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी मैंने यहां लिख भी दिया है, यू इज द ग्रुप वेलोसिटी और वी इज द फेज वेलोसिटी। देखो वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है वो ग्रुप वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स होती है। फेज वेलोसिटी पता कौन सी, तो सिंगल वेव का फेज देखिएगा कंटिन्यूस बदल रहा है, तो दिस इज ए फेज वेलोसिटी। जो कोई सिंगल वेव है अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सी वेलोसिटी रखता है, उसके पास फेज वेलोसिटी है, क्योंकि देखिएगा इसका फेज कंटिन्यूस बदल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशनशिप होगा यू इज इक्वल टू वी माइनस लैम्डा डी वी अपॉन डी लैम्डा, दिस इज ए स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। मैंने आपको बता दिया ग्रुप वेलोसिटी कौन सी होती है, फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी वो होगी जिसमें ग्रुप ऑफ द वेव ट्रैवल, वेव पैकेट जिससे ट्रेवल्स करता हो, और फेज वेलोसिटी जो सिंगल वेव की जो वेलोसिटी होगी जिसका फेज कंटिन्यूस चेंज कर रहा है, देखिएगा फेज कंटिन्यूस बदल रहा है। वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको फार्मूला बताया है, आप उससे कर लेंगे, बी इज द राइट आंसर। अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन कॉन्फाइंड इन वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ 10 की पावर माइनस 9 मीटर इज गिवन बाय दिस। अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, और डेल्टा एक्स दिया हुआ है उसने, ये भी हो जाएगा, इसमें मैं फिर भी बता दे रहा हूं। ये देखेगा अनसर्टिनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोटॉन की बात पूछ रहा है, ये बात यहाँ प्रोटॉन की कर रहा है। कॉन्फाइंड इन वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे डेल्टा एक्स और पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ द वन डायमेंशन बॉक्स कितना दिया, 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर वेलोसिटी में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच। डेल्टा एक्स कितना दिया है, 10 टू द पावर माइनस के 9, और प्रोटॉन कितना है, 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 27 डेल्टा वी क्या है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू है कि 3.95 क्रॉस 10 टू द पावर 2 3.95 क्रॉस 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो देखिएगा तो नन से ये आंसर यहां पे दिया हुआ ही नहीं है, देखिएगा 2.3.23 दिस इज तो नन ऑफ दिस, तो डी इज द राइट आंसर। आ गया समझ में कैसे करना है, ये आ जाएगा क्योंकि उसमें यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो आपको प्रोटॉन मास ऑफ द प्रोटॉन लेना है 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 26। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट डिमोस्ट्रेट द, देखिएगा मैंने पहले भी इसका एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल को डिमोस्ट्रेट करता है। देखा स्पेस क्वांटाइजेशन पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव सब गलत है, इलेक्ट्रॉन स्पिन सब गलत है, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल सी। देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल देखिएगा पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा वहां पे, द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए पार्टिकल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू, तो देखिएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन ट्वाइस एम के, ठीक है। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, 1/√k स्क्वायर रूट ऑफ द के, सी इज द राइट आंसर। ये देखेगा दिस इज ए वेरी गुड नाइस क्वेश्चन, ये देखेगा ये देखा इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन, ये फोटोन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, आर एक्सीलेटेड थ्रू ए सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ई लैम्डा पी आर रिलेटेड बाय दिस। तो देखेगा लैम्डा ई क्या होगा, एच अपॉन ट्वाइस एम, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ई इंटू ई, ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि ये आप निकाल लेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स।
लैम्डा फोटोन क्या होगा, ये मैं लिख दे रहा हूं, फोटोन इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। ठीक है, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं, आप कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, ट्वाइस एम ई। ठीक है, आप इसमें से अगर ई की वैल्यू मान लीजिए टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए इसे टू मान लीजिए, एच और सी आपको गिवन है, इसमें भी एच गिवन है, टू और एम गिवन है, तो जब आप इसे करेंगे तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन्स आएगा 8.6 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा फोटोन आएगा 6200 एंगस्ट्रॉम। देखिएगा आप यहां पे, तो लैम्डा फोटोन इज ग्रेटर देन लैम्डा इलेक्ट्रॉन। देखिएगा यहां पे ऑप्शंस, लैम्डा इलेक्ट्रॉन, देखिए लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज लेस देन लैम्डा प्रोटोन, फोटोन। तो लैम्डा फोटोन इज ग्रेटर देन लैम्डा इलेक्ट्रॉन बी। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया, अगर आप इसे मान लें तो आपको ये कैलकुलेट करके देख लीजिए इस फॉर्मूले से ये आएगा, तो लैम्डा फोटोन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, दे आर एक्सीलरेटेड विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द प्रोडक्ट ऑफ द पोजिशन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी अनसर्टेनिटी, ये तो आपको मालूम ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए ये वाला भी गलत है, 4f दिया हुआ है, एच अपॉन 4π डेल्टा एक्स लेस देन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये इसलिए गलत है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी 4π अपॉन एच ये गलत है, सही कौन सा, ये सही है, ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी हैज द लॉन्गेस्ट वेव एसोसिएटेड विद इट, अब देखिएगा वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द सेम वेलोसिटी हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच, वेलोसिटी की बात कर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी हैज द लॉन्गेस्ट वेव, वेलोसिटी सबकी सेम है, देखिएगा वेलोसिटी सबकी सेम है, इसका मतलब जिसका मास जो है वो कम होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग विद द सेम हैज द लॉन्गेस्ट वेव, जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। अब देख लीजिएगा आप यहाँ पे न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल 10^-27 के ऑर्डर का होता है, बीटा पार्टिकल का 9^-31 के ऑर्डर का होता है, तो दिस विल बी डी इज द राइट आंसर। अनसर्टेनिटी फॉर द एनर्जी एंड टाइम गैप, देखिएगा एच अपॉन 2π गलत, एच डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू अपॉन एच पाई, देखिएगा ये इसमें यहाँ पे और ये एच अपॉन 4π दिया है और नन ऑफ दीज भी दिया है, ये इसने बेसिकली क्या है कि यहां पे इसने दिया था ये एच अपॉन 6π, तो देखिएगा इसमें सब दिख रहा है कि डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी रिलेशन एनर्जी और टाइम में है, आया बस में पहले हम पोजीशन में और मोमेंटम में बात कर रहे थे, ये आपको याद रखना है एनर्जी टाइम को भी और पोजीशन मोमेंटम को। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज की बात कर रहा है, देखेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, तो देखेगा लैम्डा प्रोटोन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू एम एल्फा अपॉन एम प्रोटोन। ठीक है भाई, मैंने आपसे बताया था दिस विल बी 4mp अपॉन mp, इसे ये अभी मैं देख लेता हूं, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन एंड अल्फा इज इक्वल देन देयर रेशियो बिटवीन देयर वेलोसिटीज, वेलोसिटीज की बात कर रहा है ना वो, अच्छा वो वेलोसिटीज की बात कर रहा है, दो मिनट 28, ये आप थोड़ा अभी मेरे से गलती पढ़ाया गया, तो इसे आप दोबारा देख लीजिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू वी, वो बात कर रहा है कि देयर रेशियो बिटवीन देयर वेलोसिटीज की बात कर रहा है वो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा एच अपॉन एम इन टू लैम्डा। ठीक है, इफ द डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल है, लैम्डा वो उसको कह रहा है कि लैम्डा प्रोटोन का और लैम्डा अल्फा पार्टिकल्स का सेम है, तो देखिएगा वी प्रोटोन मैं लिख ले रहा हूं, V प्रोटोन इज इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ द प्रोटोन इंटू लैम्डा अपॉन द प्रोटोन, V अल्फा पार्टिकल एच अपॉन
लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सॉरी एम ऑफ द अल्फा पार्टिकल और लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अब ये उसने दिया हुआ है तो देखिएगा वी पी अपॉन वी अल्फा निकाल लीजिएगा, वी पी अपॉन वी अल्फा क्या पूछ रहा है, वो यही पूछ रहा है। चलो जैसे भी होगा देखते हैं, वी पी अपॉन वी अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा अपॉन एम पी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। एम अल्फा कितना है, फोर टाइम्स मास ऑफ द प्रोटोन अपॉन मास ऑफ द प्रोटोन, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा फोर अपॉन वन, फोर इंटू वन आ जाएगा। दिस इज द बी इज द राइट आंसर, देख लीजिएगा फोर, ये फोर और ये वन, ये आंसर आ जाएगा वी पी अपॉन वी अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल फोर टाइम्स मास ऑफ द प्रोटोन और मास ऑफ द प्रोटोन ये कैंसिल। यहाँ पे देखिएगा अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ देन द अनसर्टेनिटी इज वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, डेल्टा एक्स कह रहा है लैम्डा है तो अनसर्टेनिटी इट्स वेलोसिटी पूछ रहा है, अनसर्टेनिटी इट्स वेलोसिटी पूछ रहा है, ये पहले भी मैं करा चुका आपको। तो क्या हो जाए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, ठीक है वो फोर पाई के टर्म्स में मांग रहा है, तो डेल्टा एक्स इंटू लेमडा और ये कितना हो जाएगा एम इंटू डेल्टा वी। तो ये देखिएगा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी एम इंटू वी इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, एम से एम गया एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू वी अपॉन फोर पाई, ये देखिएगा ए इज द राइट आंसर, ये गलत ये गलत ये गलत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ट्रू फॉर, तो देखिएगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी ये गलत, डेल्टा ई डेल्टा साई ये गलत, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ये गलत, डेल्टा एक्स इंटू ये यहाँ पे ये वी वैसे वाला है ओल्ड वाला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स, बी इज द राइट आंसर।